जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं या जो SSC GD में सेलेक्ट हुए हैं या SSC GD कॉन्स्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप एज ए कॉन्स्टेबल ज्वाइन होने के बाद में क्या क्या अपने जीवन में कर सकते हो SSC GD के, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे CRPF, BSF, ITBP, CISF, किसी में भी रखे, किस रैंक तक आप जा सकते हो, किस डिपार्टमेंट में जा सकते हो और कौन कौन से अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपनी सर्विस में मतलब काफ़ी इजाफा कर सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, इसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो। इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए, चाहे आप SSC GD में लगने वाले हो या SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी, उसमें मैं आने वाली जितनी भी वैकेंसी होती हैं उनकी न्यू अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही उनकी तैयारी कैसे करें, उनकी फिजिकल की तैयारी कैसे करें, उनका क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में मैं उधर बताता रहता हूँ। और मैं तो रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू चलाता रहता हूँ, तो जितने भी लोग नहीं जुड़े जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि आप एज ए कॉन्स्टेबल, आप सभी को पता है कि SSC GD में एज ए कॉन्स्टेबल 21,700 पे स्केल से आप ज्वाइन करते हो। 21,700 पे स्केल से आप 60,000 से भी ऊपर पे स्केल तक पहुंच सकते हो, मतलब DSP बन सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या बन सकते हो इसके बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंटली, बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, डिपार्टमेंटली बात कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कॉन्स्टेबल से अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हो तो बिल्कुल बन सकते हो ड्राइवर। कॉन्स्टेबल से ड्राइवर जाने, कईयों को होता है कि मेरे को ड्राइवरी करनी है फोर्स में, या उनको ड्राइवरी आती है, तो वो कॉन्स्टेबल से ड्राइवर बन सकते हैं दोस्तों। एज ए कॉन्स्टेबल यहाँ भर्ती होकर फिर इधर वैकेंसी आती है ड्राइवर की, उसमें आप फिलअप करके फॉर्म और ड्राइवरी में जा सकते हो दोस्तों। उसके लिए आपका एक हैवी लाइसेंस, मतलब जो हैवी लाइसेंस होता है वो होना अनिवार्य होता है, और जो उसका क्राइटेरिया रहता है सर्विस का वो कंप्लीट होना अनिवार्य होता है, मतलब 2 या 3 साल की जो सर्विस का क्राइटेरिया रहता है वो होना अनिवार्य होता है। उसके बाद में आपसे जो ड्राइविंग का टेस्ट होता है वो पास करना अनिवार्य होता है। उसके बाद में छोटा बड़ा एग्जामी टेस्ट होता है रिटर्न का, वो भी पास करना आपके लिए अनिवार्य होता है, जिसमें जैसे रोड सिग्नल हो गए या इनके बारे में जितनी भी जानकारी होती है उसका कुछ क्वेश्चन होता है वो। इसके बाद में HCM और मतलब हवलदार बन सकते हो और मिनिस्ट्री हवलदार भी बन सकते हो, यानी आप मिनिस्ट्री स्टाफ में भी जा सकते हो और हवलदार भी बन सकते हो प्रमोशन पेपर देके, अगर आप 12th पास हो तो। अब अगर आप मिनिस्ट्री स्टाफ में जाना चाहते हो, मतलब एज ए कॉन्स्टेबल GD में आप इधर भर्ती हुए, इधर से आप अगर मिनिस्ट्री स्टाफ में जाना चाहते हो, मतलब बाबू बनना चाहते हो, बाबू किसी लड़की का नहीं, बाबू मतलब कंप्यूटर पर काम करने वाला, ठीक है, लड़की वाले बाबू तो आप बन गए होंगे अब तक किसी न किसी के, तो बाबू बन सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए अगर आप 12th पास हो तो आपके 3 साल की सर्विस चाहिए सर्विस बटालियन की, और उसके बाद में आपका टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी होगी तो आप वो एग्ज़ाम होता है जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम निकलता है कि मिनिस्ट्री स्टाफ की इतनी CTR रखी, आप उसमें फॉर्म फिलअप करके डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके टाइपिंग टेस्ट पास करके और जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर होता है उसको पास करके आप मतलब हवलदार मिनिस्ट्री स्टाफ में बन सकते हो दोस्तों। तो अगर आप चाहो तो बन सकते हो, और हवलदार GD में भी बन सकते हो, मतलब हेड कॉन्स्टेबल आप GD में भी बन सकते हो और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री स्टाफ में भी बन सकते हो अगर आप 12th पास हो। उसके बाद में अगर आप SI बनना चाहते हो तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप SI बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर। तो इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कम से कम 3 साल की सर्विस बटालियन में होनी चाहिए, बिल्कुल बेदाग सर्विस होनी चाहिए, मतलब आप पे कोई भी किसी भी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए, तभी आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए फिजिकल टेस्ट भी होता है, हवलदार के लिए भी फिजिकल टेस्ट होता है, जो GD वाला होता है उसके लिए भी। फिजिकल टेस्ट का क्या क्राइटेरिया, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी छोटा मोटा बता दूँ कि एक लॉन्ग जंप होता है, अप जंप होता है, 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट का टाइम होता है। लॉन्ग जंप 9 फीट के आसपास या इस कुछ ऐसा होता है, 4 फीट के आसपास हाइट जंप होता है SI के लिए, और हवलदार के लिए 3.5 फीट के आसपास अप जंप होता है और 9 फीट लॉन्ग जंप होता है। तो ये होता है, इसके लिए आपके 4 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। तो ये तो हो गए एग्ज़ाम देखे, इसके बाद में DSP, बिल्कुल DSP भी आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देके बन सकते हो दोस्तों। उसका भी क्राइटेरिया अलग होता है, पेपर का लेवल अलग होता है और सर्विस का क्राइटेरिया भी अलग होता है। आप SI और SI से DSP बन सकते हो एग्ज़ाम देकर दोस्तों। ग्रेजुएशन, उसमें भी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गए एग्ज़ाम देके, अब बिना एग्ज़ाम दिए आप क्या क्या बन सकते हो। आर्मोर के बारे में आप ज़्यादा सही नहीं जानते होंगे, जो हथियार तैयार करता है फोर्स में उसको बोलते हैं आर्मोर।
आर्मोर की ड्यूटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है फोर्स में, क्योंकि उनको सिर्फ हथियार की ट्रेनिंग होती है, वो हथियार ठीक करने का काम करते हैं। मतलब किसी भी हथियार में कोई चोट आ गई, कुछ फायर नहीं कर रहा या कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो उसको ठीक करने का काम आर्मोर का होता है। तो वो आप बन सकते हो, उसका कोर्स होता है वो करके। एक रेडियो ऑपरेटर का बताना भूल गया, रेडियो ऑपरेटर आप बन सकते हो। कई लोग मेरे से बार बार पूछते हैं सर रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए साइंस में सब्जेक्ट होनी चाहिए ट्वेल्थ में साथ में, या अगर आप साइंस में से नहीं हो तो पॉलिटेक्निक या आईटीआई आपका कुछ ना कुछ किया हुआ होना चाहिए। अगर ये किया हुआ है इसके साथ में आपकी 2 साल की सर्विस बटालियन में सर्विस होनी चाहिए ट्रेनिंग के अलावा। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज सबसे अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें कंप्यूटर बहुत एडवांस आता है। इसलिए रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। कंप्यूटर की अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हो तो इसका साइंस भी आती है, फिजिक्स ज़्यादा आती है साइंस में, मैथ भी आती है और डिपार्टमेंटली क्वेश्चन भी आते हैं, इंग्लिश भी आती है, लेकिन जो सबसे इसका खास पार्ट होता है कंप्यूटर। इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए रेडियो ऑपरेटर बनने के लिए, ठीक है। उसके लिए भी एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है। अब इसके बाद रही कि एक तो आप आर्मोर बन सकते हो, उसमें वेपन हैंडलिंग होता है कि वेपन की कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में सिखाई जाती है, 12 महीने के आसपास इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ये इसके लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आईटीआई किए हुए होना चाहिए या आपकी सर्विस है वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। आईटीआई नहीं किए हुए तो भी बन सकते हो दोस्तों, तो इसके लिए आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल सर्विस अच्छी होनी चाहिए तो ये आप आर्मोर बन सकते हो। इसके अलावा पीटीआई बन सकते हो बिना कोर्स के। पीटीआई का मतलब जो फिजिकल ट्रेनिंग देता है ट्रेनिंग सेंटरों में, तो उनकी भी आपको पता ही है कि वो जिंदगी भर फिर फिजिकल ट्रेनर के रूप में ही फोर्स में काम करते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं जीडी की तरह, वो फिजिकल ट्रेनर के रूप में हमेशा फोर्स में काम करते हैं ट्रेनिंग सेंटरों में। तो ये इसके बारे में शायद आपको पता होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कि और क्या बन सकते हो, तो इसके अलावा दोस्तों WTI करके या DI करके, मतलब ड्रिल इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटरों में जो ड्रिल सिखाते हैं या वेपन हैंडलिंग सिखाते हैं, तो उसका कोर्स करके आप वेपन हैंडलिंग करके उस प्रकार से इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। साथ में कमांडो कोर्स करके आप कोई भी कमांडो जैसे NSG कमांडो बन सकते हो, SPG कमांडो बन सकते हो, कोबरा कमांडो बन सकते हो, निंजा कमांडो बन सकते हो, क्रोकोडाइल कमांडो बन सकते हो। ये सभी फोर्स के लिए मैं कमांड बता रहा हूँ, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी स्पेशल फोर्स के लिए है और कुछ ऐसे हैं जो सभी के लिए, जैसे NSG हो गई, SPG हो गई, ये सभी के लिए। इस प्रकार के कमांडो कोर्स करके आप कमांडो बन सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये जो अभी कॉन्स्टेबल में आप भर्ती हो रहे हो या जिसकी तैयारी कर रहे हो, ये आपका एक स्तर माना जा सकता है। फिर आप में जो योग्यता है वो आप चीज़ कर सकते हो अपने जीवन में इस पोस्ट पे आके। तो इसीलिए कईयों का ये डाउट रहता है कि सर मैं SSGD मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। तो आपके सामने इतने आगे आके ऑप्शन आने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इनकी तैयारी करोगे, किस प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, उसकी लगन आप में कैसी है। तो ये पोस्ट छोटी नहीं है, ठीक है। इस पोस्ट पर आके कई लोग DSP बने हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जो कॉन्स्टेबल से DSP बने, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कॉन्स्टेबल से SI बने। ये तो हमेशा आपको उदाहरण बहुत देखने को मिलेंगे फोर्स में। तो मतलब पोस्ट छोटी नहीं है, ना पोस्ट में किसी प्रकार की कमी है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से आगे के जीवन में तैयारी करते हो इन पोस्ट की, किस प्रकार से आप इनसे जुड़े रहते हो। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड ये आप पे करता है कि आपको क्या करना है जीवन पे, ये आप पे ही डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आप ड्राइवरी में जा सकते हो। अब कुछ लोगों ने ये भी बोलते हैं कि क्या सर ट्रेड वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ट्रेड वालों के लिए भी कुछ एग्ज़ाम आते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, आप कॉन्स्टेबल से फार्मासिस्ट भी बन सके हो और फर्स्ट एड किट का नॉलेज लेके, वो फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, एक फार्मासिस्ट का कोर्स होता है जो डिपार्टमेंटली फिर कोर्स कराया जाता है, लेकिन उसके लिए आपका साइंस बायो होना अनिवार्य है। बाकी वो भी आप बन सकते हो यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में भी। तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो बड़ी जो खास बात है वो होती है आपकी लगन। आप में लगन होनी चाहिए, उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, बाहर भी UPSC भी फाइट कर सकते हो। आपको पता है अभी एक CRPF के DSP है, उन्होंने वो IPS ऑफिसर बने हैं, तो यहाँ पर आके आप तैयारी भी कर सकते हो अपर एग्ज़ाम की। तो इसीलिए अगर आपको कईयों को ज्वाइन करने में संकोच है तो उनको बता दिया हूँ, इतने आगे जाके आपके ऑप्शन आएंगे। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आपकी मेहनत कैसी है और किस प्रकार से आप इनमें नंबर ले सकते हो दोस्तों। तो इतने ऑप्शन मिल जाते हैं, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन माड़े नहीं, मतलब माड़े राजस्थानी शब्द आ गया, ये ऑप्शन कम नहीं है आपके लिए और आप ज़रूर बन सकते हो। आप में टैलेंट होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए, आप किसी भी काम के लिए पैशन होना चाहिए कि हाँ मेरे को SI बनना है या मेरे को DSP बनना है, तो बिल्कुल 100% आप बन सकते हो। उसके लिए थोड़े सा पश्चाताप करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सर्विस फुल डिसिप्लिन में होनी चाहिए, तभी आप ये एग्ज़ाम, इस प्रकार के एग्ज़ाम दे सकते हो दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी आप अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।